115। थोड़ा शक्ल बिगड़ गई है और अभी बज रहे हैं शाम के 9। फ्रेश हो गई हूँ मैं, तो सोच रही हूँ जरा गए हैं पार्क में। मेरे मम्मी पापा पार्क में वॉक कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला मेट्रो स्टेशन, जहाँ पे मेरे मम्मी पापा और छोटी बहन वेट कर रहे थे मेट्रो का। और मैंने आना था दिल्ली से और हम सब मिलके जा रहे थे आगरा। निकले थे 15 सितंबर को, फ्राइडे था उस दिन। मम्मी पापा नीलू जल्दी पहुंच गए थे और मैं थोड़ी लेट पहुंची थी उनसे। हम गए थे वंदे भारत ट्रेन से, तो ट्रेन में मैंने कम ही सफ़र किया है और मैं पहुंच गई हूं पसीना से तर तर होके। और सामने मेरी बहन भी दिख रही है और वो मुझे शूट कर रही थी और मैं उसे शूट कर रही थी अपने फ़ोन से। घंटे का सफ़र था, तो जो कि 2:40 पे शुरू हुआ था और लगभग हम 2 घंटे में ही पहुंच गए थे। 2 घंटे से पहले ही पहुंच गए थे, शायद हम पहुंचे थे 4:30 पे, मतलब 10 मिनट्स अर्ली, और पहुंच गए हम आगरा कैंट रेलवे स्टेशन। तो हमने ली थी प्रीपेड टैक्सी 1 दिन के लिए, क्योंकि 1 दिन के लिए ही आए थे हम, तो जो कि हमारा पड़ा था 2050 रुपीज़ का। तो आज शाम से कल शाम तक की जितने भी हमारा आना जाना है सब इसी में होगा, घूमना फिरना भी। G20 चल रहा था इंडिया में, तो यहाँ फेब में हो चुका था। तो और अब हम पहुँच गए हैं होटल रॉयल सरोवर पोर्टिको। तो ऑनलाइन बुकिंग करी थी हमने अगोडा से, तो काफ़ी अच्छा होटल है ये। और अब हम जरा ड्राइवर से बात कर रहे थे कल के लिए, मतलब नेक्स्ट डे के लिए। और छोटी बहन अंदर चली गई थी रिसेप्शन पे सारी डिटेल्स लेके, ताकि वो वेरिफिकेशन करे और हमको हमारे रूम्स की कीज दे दे। कैसा लगा पहुंच के? अच्छा लगा। सुंदर सुंदर, अति सुंदर। पापा को कैसा लगा? अति सुंदर, वैरायटी पता चल गया, ब्यूटीफुल। अच्छा।
चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ। अच्छा 316 और 315। टेम्परेचर मैनेज यहाँ से करना है। 315। चमक गई तू। वो अब शुरू होएगा ना। ये रही एंट्रेंस और राइट साइड पे दी है कबर्ड, बैग रखने के लिए जगह, और इधर लेफ्ट साइड है टॉयलेट। और ये एंटर किया हमने रूम में तो सामने टीवी लगा है, टीवी के ही सामने है बेड, और साथ में ये कॉफ़ी टेबल और सोफ़ा दिया हुआ है वन सीटर, और ये स्टडी दिया हुआ है कॉर्नर पे, जो भी वर्क के लिए आते हैं, बिजनेस के लिए आते हैं या फिर किसी भी वैसे ऑफिशियल पर्पस से, तो वो अपनी फाइल वगैरह रख के यहाँ पे काम कर सकते हैं। और साथ में ये हमें डाइनिंग एरिया मिलता है, तो यहाँ पे बैठ के आप चाय कॉफ़ी स्नैक्स या जो भी आपका लंच डिनर आएगा, आप रूम सर्विस लेते हो तो उसके लिए ऐसा कुछ मिलता है। और यहाँ पे पर्दे लगे हुए, ये बाहर का व्यू दिखता है यहाँ से, तो ऐसा स्टडी कॉर्नर मुझे अच्छा लगता है। जब भी मैं कहीं जाती हूँ इस तरह का रूम मिलता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। वार्म लाइट यूज़ करी है यहाँ पे, और मिल्की वाइट दीवारें हैं, पर वार्म लाइट में थोड़ा येलोइश टोन आ रहा है यहाँ पे। और ये सेंट्रलाइज्ड एसी है इस होटल में, तो जो एसी की सेटिंग्स है वो यहीं से हम टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं अपने रूम का। और यहाँ पे फुल मिरर मिला हुआ है। अभी 2 घंटे का ट्रेन का सफ़र किया है वंदे भारत से, तो थोड़ा शक्ल बिगड़ गई है। और अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 बजने वाले हैं, तो हाँ यहाँ से डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं हम रिसेप्शन पे, और अगर यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ड्रायर दिया हुआ, जो कि अच्छे होटल्स वगैरह होते हैं तो उसमें वॉशरूम में ही ड्रायर दिया रहता है, ताकि यहीं पे नहाओ धो बाल सुखाओ। और यहाँ पे बल दिया हुआ, जैसे अगर मुझे कल बाल स्ट्रेट करने होंगे तो मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपना स्ट्रेटनर। लेकिन ये समझ नहीं आया कि यहाँ पे ये ग्लासेस क्यों दिए हुए हैं, यहाँ पे पानी पीना है, ड्रिंक करनी है, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं, क्या करना है, तो कमेंट करो क्या कर सकते हैं। ये मेरी घड़ी है फास्ट ट्रैक की, जो कि मुश्किल से 2200 रुपये की है, और ये मेरी छोटी बहन की घड़ी है कैशियो की, ये दिख रहा है ना कैशियो लिखा हुआ, कैशियो कैशियो जो भी बोलते हैं। और इसका प्राइस पता है कितना है, इससे 3 गुना ज़्यादा रेट पे लिए, वो भी डिस्काउंट के बाद, डिस्काउंट के बाद पड़ी है 6200 या 6300 की, मतलब 6000 अप्रॉक्स, 6000 से 200-300 ज़्यादा, वो भी डिस्काउंट के बाद। मुझे लगता है ये होगी 8-10 हज़ार की, डिस्काउंट के बाद ली है 6000 की, यही लग रहा है मुझे तो। जो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक केटल दी रहती है, तो और ये कॉफ़ी मग दिए हुए ना, कभी भी गलती मत करना कि आप पूरा कॉफ़ी मग पानी से भर दो, और फिर एक कॉफ़ी का पाउच शुगर या आप इसमें चाय बना रहे हो ये डाल दो, क्योंकि टेस्ट पूरा बिगड़ जाएगा। इतने बड़े कॉफ़ी मग की ज़रूरत नहीं होती, इसको मुश्किल से आधा भरना पड़ता है तब जाके टेस्ट आएगा, फ्लेवर आएगा, नहीं तो आपको पानी पानी सा फील होगा, कॉफ़ी चाय जो भी पी रहे हो आप इसमें। तो ऐसी गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, जब मैं छोटी थी मैं करती थी ऐसी गलती, फिर मुझे लगता था ये इतनी बेकार क्यों बनी है, ये होटल वाले ठगा रहे हैं हमें, पर नहीं, ये बस दिखाने के लिए बड़े कप दे देते हैं, और छोटे कप ये दे नहीं सकते ना, बड़ा ही है इनके पास। तो
ऐसी पेंटिंग्स मुझे समझ नहीं आती है कि क्यों लगाते हैं, पर ये लगाते हैं क्लासी लुक देने के लिए। ये मोस्टली इनका जो बेस होता है पेंटिंग का, तो ये इनके जो दीवार है इससे मैच करनी चाहिए, इन्हें कुछ ऐसा लगता है। और ये जो दो पेंटिंग्स दिख रही है इसमें ब्राउन टोन आ रहा है ना, और इसमें देखो ये वाइट है लेकिन इसमें ये ब्राउन टोन से थोड़ा डिज़ाइन बनाई हुई है, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं साथ में रह के, और ये दोनों मिलके कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं इस दीवार को। तो बेड के पीछे का लुक बनाने के लिए इसलिए कुछ इस तरह का क्लासी लुक देने के लिए ही लगाते हैं। और जो ये कॉर्नर पे ये लैम्प है, कॉर्नर पे लैम्प का क्या काम है, पर यही है रूम को लुक देना है। तो मैं ऑन कर लेती हूँ, अभी ऑन हो गया है। तो ऐसा अच्छा लुक देने के लिए जिसकी शायद ज़रूरत भी नहीं रही होगी, पर फिर भी करना तो है ही। अब दिख रहा है ना लुक, बस इसीलिए लगाया हुआ है। अभी आए डेंटल किट और स्लीपर्स। तो ये डेंटल किट वगैरह तभी प्रोवाइड करते हैं जब हम इन्हें कॉल करके बोलते हैं, बाकी तो ये देते हैं पहले से ही, जैसे साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, तो इसे तो खोलना पड़ेगा। ये यूज इन थ्रो स्लीपर्स है, काफी बड़ी है, तो ये मेरे लिए, ये नीलू के लिए। गर्मियाँ हैं और पसीना भी काफ़ी लग गया, सफ़र किया है तो डर्ट और पोल्यूशन से भी थोड़ा स्किन अजीब सा हो जाता है, इसलिए मैं क्लीन करूँगी पहले अपने ये मिसेलर वाटर से। तो मुझे काफ़ी पसंद है बायोडर्मा का, तो पहले इससे क्लीन करके और फिर मैं नहाऊँगी, बाल धोऊँगी, फिर उसके बाद फेस वॉश यूज़ करूँगी। तो मेरा ट्रैवल फ्रेंडली फेस वॉश है, ट्रैवल करते हुए कभी मेरा मन करता है कि नीम फेस वॉश यूज़ करूं तो मैं ये यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इनके मैं पहले एसेंशियल ऑयल यूज़ करती थी और शैम्पू भी यूज़ करा है मैंने इनका। और मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल प्लम एवोकाडो हेयर मास्क, तो काफ़ी अच्छा है फ्रिजी हेयर्स के लिए, जिनके बाल ड्राई और फ्रिजी रहते हैं, खासकर मेरे की कर्ली भी है और ड्राई एंड फ्रिजी है, तो मुझे ये सूट कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा हेयर मास्क है। शैम्पू और शावर जेल भी दिया है, तो सही करा हुआ है, अगर छोटी छोटी डब्बियाँ होती तो कोई भी उठा के ले जाता, तो ये सही है। वैसे ये लोग जिनके पास पहले से छोटी छोटी डब्बियाँ हो तो उनमें भर के भी ले जा सकते हैं। नहाई हूँ, फ्रेश हो गई हूँ मैं, तो सोच रही हूँ जरा ड्रायर से बाल ड्राई कर लूँ। यहाँ से होगा मुझे लग रहा है। बाथरूम में रखे ग्लासेस के बारे में पूछा था मैंने आपसे, कमेंट करने के लिए कहा था, अगर आप कर चुके हो तो भी ठीक है, नहीं किया है तो अभी भी कर लो। तो मैं आंसर बता देती हूँ, तो वो ग्लासेस रखे थे गार्गल करने के लिए, कुल्ला करने के लिए, जब ब्रश करते हुए बहुत लोगों को आदत होती है हाथ में ग्लास या मग पकड़ के कुल्ला करने की, तो वो उस पर्पज़ के लिए ही रखे गए थे वहाँ पर। Thank you.
वॉशरूम वगैरह भी दिए गए हैं और टॉवल्स वगैरह सब यहीं पे मिल जाते हैं और यहाँ पे सिटिंग एरिया भी दिया है और हाँ यहाँ पूल के बगल में लेटने के लिए भी दिया हुआ है दिन में अगर आप आते हो यहाँ पे। और सामने आपको दिख रहा है जिम दिख रहा है वो, तो एक्सरसाइज करने के लिए सुबह या शाम को आ सकते हैं जो भी इन होटल में स्टे करते हैं लोग। और साथ में अंदर स्पा भी दिया है, तो आयुर्वेदिक स्पा देते हैं यहाँ पे, वेदास करके नाम रखा हुआ है इन्होंने, तो काफ़ी अच्छा होटल है। यहाँ पे इन्होंने पहले से ही मेंशन कर दिया है कि अगर ब्रेकफास्ट है तो कितने बजे से होगा, 7 से 8:30। वैसे इन्होंने बोला है कि 6 बजे लगा देते हैं ब्रेकफास्ट और लंच का टाइम डिनर का टाइम सब मेंशन है यहाँ पे। ये है रॉयल सरोवर पोर्टिको आगरा वाला। अच्छा है हमने होटल इसलिए बुक करा था क्योंकि इनकी बहुत सारी चेन्स है ऑल ओवर इंडिया और डिनर रूटेड भी है, हमने ये करा। रूम्स भी इनके काफ़ी अच्छे हैं, सूट रूम्स भी है, सूटी बोलते हैं स्वीट जो भी बोलते हैं स्वीट, तो पर वो हमने नहीं करा, हमें नीड नहीं थी, हमें 2 रूम करने थे क्योंकि हम 4 एडल्ट्स हैं, मम्मी पापा मैं और नीलू, तो उसे हमने 2 रूम करे और काफ़ी सुंदर रूम था, वो आपने वीडियो में देख लिया होगा। और यहाँ का फूड क्वालिटी भी बहुत अच्छा था और रूम सर्विस भी बहुत अच्छी है, तो इसीलिए हमने ये होटल करा। बस बस काफ़ी मज़ा आ रहा है हमको, चलो फूल साइड चलते। ठंडू पहुंच गए हैं पार्क में, मेरे मम्मी पापा पार्क में वॉक कर रहे हैं आफ्टर डिनर, हाँ हम उनको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं नीलू और मैं। उनकी वीडियो वही फोटो बॉम्ब मत कर, फिर मम्मी पापा को देख वो अपनी आपस में वीडियो बना रहे हैं यहाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो था, तो अगर आपने अंत तक देखा है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा यही आगरा टूर का, जिसमें मैं जहाँ जहाँ घूमी थी वहाँ का मैं वीडियोज़ डालूँगी। बाय बाय।